Good morning, students. I welcome you all on your online class of Jagrati classes. Now, we'll discuss the next half portion of chapter 1, class 9th that is, matter in our surroundings. We have discussed certain things of this chapter that is, we have discussed the introduction what do you mean by matter? Matter, anything which occupies space and has mass.

ज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हमने कल वीडियो छोड़ा था जहाँ पे इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट यू ऑल नो आई हैव टोल्ड इट अल्डियर दैट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन इन जनरल टर्म्स इट इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड इन पर्टिकुलर सेंस इट इज नोन एज फ्यूजन फ्यूजन इज नथिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड नाउ ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है इसमें मैंने कहा था हमें दो टर्म्स जाननी है एक तो वट डू यू मीन बाय डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग इज द प्रोसेस फ्यूजन इज द प्रोसेस एंड वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेल्टिंग पॉइंट द नेक्स्ट टर्म वॉट वील डिस्कस हेयर इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म बहुत से बच्चे लास्ट तक इसमें कन्फ्यूज रहते हैं लेटेंट बुक से पढ़ के लास्ट में याद हो जाता है कि लेटेंट का मतलब है हिडन पर ये जो हीट हम दे रहे हैं कहाँ हिडन है कैसे क्या प्रोसीजर है वो आज हम देखेंगे वॉट डू यू मीन बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इससे पहले हम हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की वील सी द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर का वैल्यू a value of temperature on which a solid converts into liquid okay so what is melting point melting point is the temperature at which melting point is a temperature at which solid substance a solid substance मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इंटू लिक्विड द सॉलिडेंस कन्वर्ट्स इन टू लिक्विड इन डेफिनेशन में एक और चीज आती है लास्ट में लिखी हुई एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एटमोसफेरिकेश है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये आपको सारी बुक्स में सी बी एस सी एन सी आर टी बुक्स में मिल जाएगी अब डेफिनेशंस जो होती है वो हमें पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड याद करनी चाहिए क्योंकि डेफ़िनेशन बनाई इस तरह जाती है जिससे एक वर्ड का एक टर्म का कंप्लीट सेंस समझ में आए डेफिनेशन में सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती है मैं ये कह रही हूँ हमें याद करनी है मगअप नहीं करना है चीज़ को क्रैम नहीं करना है कि हाँ मैम ने बोला वर्ड टू वर्ड नहीं हमें करना है इसको पहले हम समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है क्या मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो एब्रीविएटेड एज एम पी ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन लिखा होता है एम डॉट पी डॉट मेल्टिंग पॉइंट अब हम समझते हैं इस डेफिनेशन को मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी द टेम्परेचर एट विच अब पॉइंट हमने लिख दिया टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर जहाँ पर मेल्टिंग हो रही है सॉरी जहाँ पर क्या हो रही है मेल्टिंग सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड समझ में आया ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ये जो नेक्स्ट टर्म यहाँ इंक्लूड की गई है एट प्रेशर वट डू यू मीन बाई एटमोसफेरिक प्रेशर इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर का चेंज पढ़ रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू बताएगा पर प्रेशर जो लेंगे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए हम लेते हैं मेल्टिंग मेल्टिंग मतलब मैंने आइस क्यूब्स ले लिए आइस क्यूब्स हैं ये दिस इज आइस आई हैव टेकन आइस इन अ बीकर लेट सपोज वी प्रोवाइड इट अ टेम्परेचर वी हीट इट और वी सिंपली कीप इट एट रूम टेम्परेचर फ्रिज से बाहर निकाल के हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो वॉट विल ऑब्जर्व ये आइस वॉटर में कन्वर्ट हो जाएगी दिस आइस विल कन्वर्ट टू वाटर ये आप सब जानते हैं कि सॉलिड जो था अब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है एंड वाटर इज़ लिक्विड सो जिस टेम्परेचर पे यहाँ जो टेम्परेचर की वैल्यू है जिस पर सॉलिड वाटर या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर मैंने यहाँ टेम्परेचर चेंज किया है पर प्रेशर मैंने वेरी नहीं किया है यहाँ प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है प्रेशर यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जिसको हम ए टी से डिनोट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी वही सेम प्रेशर है यहाँ पे हमने केवल किस में चेंज किया है टेम्परेचर में ओके okay. सो so, अगर हम देखें आइस का मेल्टिंग पॉइंट सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ जीरो डिग्री सेल्सियस और वी कैन राइट टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन और इन शेल्शियस वी कैन रीरो डिग्री शेल्सियस तो ये हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट से हम क्या समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन में सारी टर्म्स का मतलब हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म इंपॉर्टेंट है हम डेफिनेशंस में लिखना भूल जाते हैं भूलना नहीं है हमें बताना है कि ये जो भी मेल्टिंग हो रही है ये इसमें हमने प्रेशर का कोई रोल नहीं है जितना प्रेशर पहले था उतना ही प्रेशर अब है प्रेशर इज नॉट चेंजिंग सो वी से ये सारा काम जितना एटमोसफियर में हमारे एन्वायरमेंट में प्रेशर है उस पर हो रहा है नाउ वी मूव ऑन फर्दर हमने मैंने आपको बताया कि आपको फ्यूजन के प्रोसेस में दो चीज़ें पढ़नी है फ्यूजन क्या होता है सॉलिड का लिक्विड में बदलना द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन इन जनरल टर्म्स इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग फिर हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज नथिंग इट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट विच अस अ सॉलिड सबस्टेंस कन्वर्ट्स इन टू लिक्विड नाउ वॉट वील सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आई होप वक्सप्लेन इट इट इज क्लियर टू यू वॉट डू यू मीन बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट से समझते क्या है तो द वर्ड लेटेंट द टर्म लेटेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हिडन लेटेंट का मतलब होता है हिडन डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हम बाद में डिस्कस करेंगे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट शब्द का मतलब मैंने कहा हिडन जो चीज़ छुपी हुई है हिडन है हमें नहीं दिख रही अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ हमने ले लिया एक बीकर बीकर में हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमन एग्जांपल्स ले रही हूँ या हमने रख दी आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स का अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पिक्चर यहाँ पे देखूँ मतलब इसकी मॉलिक्यूलर पिक्चर दिखने में तो ये ऐसे हैं वी नो आइस क्यूब जो है आइस इट इज़ अ सॉलिड आइस सॉलिड आइस सॉलिड होने के साथ हमने कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड की उसमें हमने देखा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इनमें जो फ़ोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये मैंने सॉलिड बना दिया और ये मैंने इनके बीच के कनेक्टिंग लिंक्स या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को शो किया है ये इनके बीच की स्पेस नहीं बता रही हूँ सॉलिड्स में टाइट पैकिंग क्लोज पैकिंग रहती है उनके बीच स्पेस नहीं होती मैं कह रही हूँ ये मैंने आइस का मॉलिक्यूलर पिक्चर या मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाया है इसमें मैंने ये आइस के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स शो किए हैं और ये आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज से इंटरलिंक्ड हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है अब क्या चेंज होंगे जब हम इस आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं जब मैं इस आइस को हीट दे रही हूँ हीट देने का मतलब एक्सटर्नल सोर्स आपने बर्नर वग़ैरह कुछ भी यूज़ कर लिया आप ऐसा कर सकते हैं ये आइस लीजिए बीकर में आइस रखने के बाद यहाँ पर एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दीजिए थर्मोमीटर पे वेरियस टेम्परेचर रीडिंग्स होगी आइस का टेम्परेचर एज यू ऑल नो क्या रीडिंग आएगी जीरो डिग्री सेल्सियस और टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स अब इस आइस को जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हमने कहा मैं इसको हीट दे रही हूँ दिस इज़ अ हीट सोर्स बर्नर बर्नर से जब मैं इसको हीट देती हूँ जनरली हम क्या समझते हैं हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है भाई जिस चीज़ को गर्म करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर की वैल्यू पर जब इसको हीट दी जाती है तो एक स्टेट ऐसी आती है जब ये आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होती है गर्म करेंगे सीधी सी बात है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी जब ये आइस वाटर में मेल्ट होना शुरू होती है बाकी आइस क्यूब्स हैं कुछ आइस क्यूब्स पिघल के वाटर बनाया है तब तक भी इसका जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग कितनी शो होगी ज़ीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा आप हीट दे रहे हो ये हीट का, का काम क्या है अगर ये हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही तो ये क्या कर रही है ये इन सारी आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है वाटर में कन्वर्ट कर रही है तो एक्चुअली इधर से हमें इतना क्लियर नहीं होता अगर हम इसकी मॉलिकुलर पिक्चर से समझें तो यहाँ पर हमने ले लिया आइस आइस में मैंने बना दिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब आपने प्रोवाइड की हीट अब हमने प्रोवाइड की है हीट हीट क्या करेगी हीट आइस के बीच में ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे आइस के मॉलिक्यूल्स थे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से लिंक्ड है अब हमने कहा यहाँ पे हीट जो है इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर देगी क्या कर रही है हीट इनके बीच में जितने ये फोर्सेस थे इनको ब्रेक कर रही है फोर्सेस को ब्रेक करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स हाईली अट्रेक्टिव थे उनके बीच में फोर्स को कम कर रही है कम करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स अब दूर हो जाएंगे जहां पहले सॉलिड में बिल्कुल क्लोज टाइट पैकिंग थी अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे दूर वी कैन से दैट देर इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस वुड इंक्रीज एंड द इंटर मोलिक्यूलर फोर्स वुड डिक्रीज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ द इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच इट वुड इंक्रीज एंड व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस देन द इंटर मोलिकुलर फोर्सेज डिक्रीज जब यहाँ पे ये हीट ये बॉन्ड्स को या मॉलिक्यूल के फोर्सेस को ब्रेक करेगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ये दूर शिफ्ट हो जाएंगे एंड हम जानते हैं जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है जब ये दूर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में वाटर में सो लेटेंट हीट का मतलब क्या है जब आपने इनिशियली हीट दिया आइस को किसी सॉलिड को तो ये हीट कहाँ यूज आई बॉन्ड्स को ब्रेक करने में उनके बीच में जितने फोर्सेस हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, द हीट इज़ कंज्यूम फॉर ब्रेकिंग द फोर्सेस, एंड व्हेन द हीट इज़ कंज्यूम फॉर ब्रेकिंग देन ये हीट क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग में काम आ रही है तो ये टेम्परेचर राइज नहीं शो करेगी अब आप जब इसको और हीट करेंगे जब ये सारे मॉलिक्यूल सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद और हीट देने पर जब यहाँ पे सारा लिक्विड बन जाएगा इसके बाद अगर आप और हीट प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर में इंक्रीज शो होगा देन द टेम्परेचर वुड इंक्रीज सो इसीलिए इस हीट को कहते हैं लेटेंट और हिडन हीट हिडन किस तरह है हम हीट किसी भी चीज़ को देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है पर इस केस में क्या हो रहा है जब हमने आइस को सॉलिड को हीटअप किया तो टेम्परेचर सेम रहा ज़ीरो का ज़ीरो ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये जो हीट है ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उनको ब्रेक करने में काम आती है तो जब तक सॉलिड पूरा के पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उस सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस के टाइम टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट।

यू गिव हीट टू एनी सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर विल राइज बिकॉज हीट का काम क्या है डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है टेम्परेचर को बढ़ाती है पर केवल केवल एक हीट लेटेंट हीट ये टेम्परेचर राइज करने के लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल इट फॉर दिस रीजन इट इज़ नोन एज हिडन आई होप यू गॉट दिस यू कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट बाई लुकिंग एट दिस लाइट ओके नाव वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड जो अभी हमने किया इस पर एक बहुत एफिशिएंट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आई मीन ज़ीरो डिग्री सेल्सियस की आइस एंड जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर है अभी हमने पढ़ा जीरो डिग्री पर एक ही टेम्परेचर पर दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती है आइस का टेम्परेचर भी ज़ीरो होता है पानी का टेम्परेचर जब जस्ट आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर भी ज़ीरो है तो क्वेश्चन आता है इन दोनों में से विच वन इज़ मोर एफिशिएंट विच वन इज़ मोर एफिशिएंट इन कूलिंग इनमें से कौन सी चीज़ कूलिंग करने के लिए ठंडा करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है दोनों का टेम्परेचर नो डाउट ज़ीरो डिग्री है टेम्परेचर सेम है तो इनमें से कूलिंग कौन करेगा सपोज़ आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं आप उन्हें ठंडा शरबत पिलाना चाहते हैं अब ठंडा शरबत पिलाने के लिए आपने शरबत तो बना दिया ठंडा करने के लिए आप उसमें आइस भी डाल सकते हैं या ज़ीरो डिग्री का बिल्कुल आइस कोल्ड चिल्ड वाटर भी डाल सकते हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे क्या डालेंगे इससे हम समझ सकते हैं कि हम डालेंगे आइस इसका आंसर है विच वन इज़ मोर एफिशियंट इन कूलिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो डिग्री आइस इज मोर एफिशिएंट जीरो डिग्री आइस इज मोर एफिशिएंट इन कूलिंग देन ज़ीरो डिग्री वाटर ये तो आंसर हो गया अब हम इसके पीछे का रीज़न समझते हैं अभी मैंने डिस्कस किया था लेटेंट हीट समझाते हुए कि यहाँ पे जब हमने सॉलिड मॉलिक्यूल्स लिए सॉलिड की मॉलिक्यूलर पिक्चर बनाई तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ़ अट्रैक्शन से लिंक थे इनमें क्या था बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ़ अट्रैक्शन जब हम इसको हीट देते हैं जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो ये हीट किस में काम आती है ये हीट इनिशियली यूज़ आती है सॉलिड के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक ऑफ करने में तोड़ने में इसीलिए ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती लेटेंट हीट है जब हमने इसको हीट दी तो ये कन्वर्ट हो गए लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो आपस में कुछ दूर हैं सॉलिड से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है सॉलिड में जितनी इंटरमोलिकुलर स्पेस है उससे लगभग डबल यहाँ शो करने की कोशिश की है मैंने तो सॉलिड से ज़्यादा इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है एंड इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं कम तो जब ये हीट हमने दी अब लिक्विड के पास क्या है एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इसका टेम्परेचर भी नो no डाउट कितना है जीरो डिग्री सेल्सियस यहाँ ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर भी कितना है जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि मैंने जब हीट दी आइस मॉलिक्यूल में कोई हीट नहीं थी जब हम इसको गर्म करते हैं तब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है इट मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्या है एक्स्ट्रा हीट एंड हीट का मतलब है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है इसका मतलब देखने में दोनों का टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री है पर क्योंकि हम जानते हैं लेटेंट हीट का रीज़न क्योंकि हमें समझ आया है कि लिक्विड में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होती है इसीलिए मोर एफिशिएंट क्या होगा हीट एनर्जी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये उतना किसी चीज़ को चिल्ड या कोल्ड नहीं कर पाएगा तो हम कहते हैं कि यहाँ आइस जो होगी वो कूलिंग करने के लिए ज़्यादा एफिशियट होगी ज़ीरो डिग्री वाटर के कंपेयर में जीरो डिग्री की आइस कूलिंग फिनोमिन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी यू कैन सी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाओ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अभी हमने कम्प्लीट किया है फ्यूजन नाव वील डील विद बॉयलिंग और आई मस्ट से द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू गैस अब जो हमें देखना है हम देख रहे हैं लिक्विड का कन्वर्जन इंटू गैस सो लेट सी लिक्विड का कन्वर्जन इनटू टू गैस व्हाट इट इज़ नोन एज इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन द परफेक्ट टर्म इज वेपराइजेशन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू प्रेशर एट कॉल्ड वेपराइजेशन। इसमें फिर से हमें दो बातें जाननी है हमें समझनी है इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट बात जो सेम अभी हमने प्रीवियस डिस्कस की फ्यूजन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ओके स्टूडेंट्स तो अब हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग इट इज़ द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच Liquid converts into gas at which any liquid shows conversion to or converts into a gas. This temperature is called boiling point. I am repeating it boiling point is the temperature at which any liquid converts into a gas. सिंपली वेपराइजेशन वेपराइजेशन लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। पॉइंट जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इससे पहले आप मुझे बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वेल इट इज 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट वुड बी 373.16 not degree 0.16 kelvin boiling नॉट डिग्री water is 100 degree बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्शियस हंड्रेड डिग्री सेल्शियस टेम्परेचर पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में वाटर वेपर्स में गैस में और इसको केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे तो इट वुड बी 373.16 केल्विन। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं लिट हीट ऑफ वेपराइजेशन

लिक्विड्स में हल कम लिक्विड्स में कल हमने जो पढ़ा था कम्पेरेटिव अकाउंट सॉलिड लिक्विड गैस का उसमें हमने दिखा था सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स में उससे कम एंड गैसेस में तो नेग्लीजिबल सो लिक्विड्स हैम इंटरमोलिकुलर और मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ना वेन दिस लिक्विड इज हीटेड वैन दिस इज हीटेड दैन इट कन्वर्ट्स टू गैस And gas may intermolecular forces are very weak or minimum. And their intermolecular distance, intermolecular distance, the distance between two molecules, let's say D, it is intermolecular distance. In gases, intermolecular distance is very high compared to liquids. In liquids, this intermolecular distance is small. Okay, now when we heat this liquid, it converts to gas so initially the heat which we'll provide it would be required for what can any one of you answer yes correct this initial heat would be required to break the forces of attraction or i should say the initial or latent heat is used up it is used up to break or to overcome it is used up to overcome द अट्रैक्टिव forces, द intermolecular attractive अट्रैक्टिव intermolecular forces of attraction ऑफ अट्रैक्शन जो हम इनिशियली हीट दे रहे हैं वो किस काम आ रही है वो काम आ रही है ये जो इनके बीच में फोर्सेस है इसको ओवरकम करने के लिए इन बॉन्ड्स को या फोर्सेस को कम करने के लिए ये हीट काम आ रही है इनिशियली जब आप हीट देंगे तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा गैस में दिस लिक्विड वुड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन टू गैस वेन यू प्रोवाइड इनिशियल हीट वेन इट इज हीटेड फर्दर वैन ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स वुड कन्वर्ट टू गैस देन ऑन प्रोवाइडिंग फर्दर हीट इट वुड कन्वर्ट एंड इट्स टेम्परेचर राइज ओके इट वुड बी रिमेन इट वुड रिमेन इन गैस स्टेट बट इट वुड शो अ इंक्रीज इन टेम्परेचर हीट का काम क्या है वापस एक एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे हमने लिया है एक लिक्विड यहाँ पर मैंने ले लिया वाटर लिक्विड फॉर्म में इसको मैंने किया हीट हीट किया तो आप जानते हैं इसके अंदर एक हम थर्मामीटर लगा देते हैं थर्मामीटर पे अभी वैल्यू क्या आ रही है लिक्विड को हम बॉयल कर रहे हैं तो आज से अब इस लिक्विड का टेम्परेचर गर्म होते होते कितना हो गया है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये मैंने नीचे एक हीट सोर्स या बर्नर लगा दिया है अब जब इस बर्नर से हीट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया 100 डिग्री सेल्सियस तक या 373 केल्विन, 373.16 सेवेंटी थ्री राउंड ऑफ करते हैं तो हम 373 ले सकते हैं तो 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमने इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा गैस में दिस लिक्विड विड कन्वर्ट इन टू गैस पर जब तक सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैशिय स्टेट में नहीं आएंगे वी वुड शो नो चेंज इन द टेम्परेचर देअर वुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर थर्मामीटर पे रीडिंग कांस्टेंट रहेगी 100 डिग्री सेल्सियस सो दिस हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द लिक्विड और टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिट्वीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड जब ये हीट यूज हो रही है लिक्विड के फोर्सेस को कम करने में लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम करने में यूज हो रही है तो ये हीट टेम्परेचर राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐसी हीट एनर्जी विच इज़ नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हीट देने के बाद भी टेम्परेचर 100 का 100 रहा सेम रहा उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट क्योंकि हमें पता है हीट देते ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए पर जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हीट करने के बाद भी यहाँ नो डाउट लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में पर जब तक सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता जब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा ये हीट कहाँ काम आ रही है कहाँ हिडन है अगर ये हीट अपना जनरल रोल कैजुअल रोल जो टेम्परेचर बढ़ाना है अगर ये अपना वो काम नहीं कर रही जो हीट हमेशा करती है टेम्परेचर बढ़ाती है तो ये क्या कर रही है ये लेटेंट हीट हमारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है ओवरकम करने में मदद कर रही है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करने में मदद कर रही है ताकि जब ये फ़ोर्स बीच का कम हो जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा देअर इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस विल इंक्रीज एंड देयर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विल डिक्रीज याद रखेंगे आप कि इंटर मोलिकुलर फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये अगर आप दो मोलिकूल्स आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी कम और अगर बिल्कुल कम फोर्स लग रहा है तो वो क्या रहेंगे दूर रहेंगे बीच में फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वो बिल्कुल पास आ जाएंगे स्टिक टुगेदर रहेंगे फोर्स कम है तो वो क्या रहेंगे सेपरेटेड आउट उनका बीच का डिस्टेंस तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब ही यही है अगर मैं फोर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही हूं तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज अगर फोर्स को डबल कर दूं तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा हाफ ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब इन दोनों की डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं आई राइट फॉर लेटेंट हीट लेटेंट मीन्स हिडन so latent heat of fusion exact definition is latent heat of fusion the amount of heat the amount of heat required to convert it is the amount of heat required to convert 1 kg solid the amount of heat required to convert 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure at atmospheric pressure this is known as latent heat of fusion आई होप अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है द अमाउंट ऑफ हीट इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोसफेरिक प्रेशर दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यू कैन ऑल्सो एड द वर्ड लेटेंट हियर द वर्ड लेटेंट मीन्स डन हियर द वर्ड लेटेट मीन्स हिडन यू कैन आई ऑल्सो एड वन मोर पॉइंट दैट इज दिस एनर्जी और दिस हीट एनर्जी दिस ई हीट एनर्जी इज नॉट रिस्पोंसिबल दिस हीट एनर्जी इट इज़ नॉट रिस्पोंसिबल फॉर

रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन के जी सॉलिड की जगह आ जाएगा वन लीटर लिक्विड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन लीटर लिक्विड इन टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही दर्ड लेटेंट मीन्स हिडन दोनों की डेफिनेशन में लेटेंट आ रहा है ये पॉइंट एज इट इज सेम रहेगा This heat energy is not responsible for any change in temperature. This would also remain the same. So, this is the definition of latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now, let's see what we have next here. Okay, now you have to learn some concepts that is conversion of Celsius into Kelvin and Kelvin into Celsius. We are doing the temperature conversion. It is very easy, it is a two minute topic. लेट स्टार्ट नाउ वी आर डूइंग यू नो टेम्परेचर कैन बी इन टू यूनिट्स इट कुड भी एक्सप्रेस्ड एज डिग्री सेल्शियस और इट कुड भी एक्सप्रेसड एज कैलविन इट कुड ऑल्सो भी एक्सप्रेसड एज फेर एंड हाइट बट हियर वी डोंट हैव टू डील विद फेर एंड हाइट वी ओनली हैव दिस सेल्सियस एंड कैलविन सो फॉर कन्वर्जन कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है एंड यू आर आज टू कन्वर्ट इट इन टू केलविन जस्ट सिंपली एड इन इट टू सेवेंटी थ्री एंड इफ यू आर गिवन इन क्वेश्चन एनी टेम्परेचर इन कैलविन और बोला है कैलविन के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है क्या करेंगे जो वैल्यू यहाँ गिवन है उसमें से टू सेवेंटी थ्री को माइनस कर देंगे ये तो इनके बेसिक फार्मूलाज है अब हम ये 273 नंबर कहाँ से लाए हैं क्यों इसको कर रहे हैं कैन एनी वन ऑफ यू गेस यस वेरी गुड स्टूडेंट्स दिस मीन्स यू आर स्टडिंग एंड यू आर गेटिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर वी नो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टू सेवेंटी इज इक्वल्स टू 273.16 कैलविन 0 degree celsius means 273.16 kelvin if we round off this number in maths in junior classes you have learnt estimating or rounding of a number we will not discuss this if we estimate or round it off we approximately get 273 so we can write 0 degree celsius we can write approximately 0 degree celsius is equals to 273 kelvin जीरो डिग्री सेल्सियस का मतलब है टू सेवेंटी थ्री कैलविन अब यही बात है सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है कम हियर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस इज लेस एज कंपेयर टू केल्विन क्लियर है यहाँ जब भी सेल्सियस में नंबर होता है तो यहाँ ज़ीरो सेल्सियस टू सेवनटी थ्री के बराबर है तो जब भी हमें सेल्सियस से केल्विन जाना है क्योंकि सेल्सियस में जो नंबर होता है वो केल्विन से हमेशा छोटा होता है इसका मतलब केल्विन का नंबर बड़ा होता है तो सेल्सियस वाले क्वेश्चन को जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है वी हैव टू ऐड 273 टू इट और जब केल्विन वाले नंबर को सेल्सियस में पूछा है यू हैव टू सप्रैक टू याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं हमारे माइंड में कब प्लस करना है कब माइनस करना है लाइक इज सी इज विच अल्फाबेट इंग्लिश में इफ़ आई गिव ए बी को अगर मैं सेकेंड पोजिशन पर रखूँ सो सी वुड बी अ थर्ड एल्फाबेट एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग के वुड बी समेवैट ओके सो जब हमें थर्ड से इलेवेंथ में जाना है प्रोग्रेस करना है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा 273 याद रखना है 273 याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं है मैम के पास आई ओनली हैव अ ट्रिक कि कब प्लस कब माइनस करें मैम एग्जाम में बहुत कोर्स होता है कंफ्यूजन हो जाता है तो एक छोटी सी ट्रिक है सेल्सियस सी मीन्स थर्ड एल्फ़ाबेट एंड के मीन्स इलेवेंथ एल्फाबैट सो जब सी से के जाना है थ्री से एलेवन आगे की तरफ बढ़ना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा और जब हमें के से सी जाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा सप्रैक्ट और कितना सप्रैक्ट करेंगे 273। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपकी एन पेज नंबर नाइन टेक्स्ट क्वेश्चन या ब्लू क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आई एम डिस्कसिंग ओनली वन पार्ट लाइक फाइव एक क्वेश्चन है इट इज 573 सेवेंटी को सेल्सियस में कितना होगा ये पूछा है लेट्स सी आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे हमें केल्विन दिया है केल्विन से सेल्सियस में जाना है बड़े से स्मॉलर में जाना है देन वील सप्रैक टू सेवेंटी सो इफ वी सप्रैक 573 सेवेंटी माइनस टू वी गेट द आंसर एज 300 डिग्री सेल्सियस दिस वुड बी योर आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 डिग्री सेल्सियस द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज टू डिग्री सेल्शियस येस इट इज टू फिफ्टी डिग्री सेल्शियस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू कैलविन व्हाट वील डू सेल्शियस सेलविन में जाते हैं वॉट वी डू इज वी एड टू सेवेंटी थ्री टू द गि क्वेश्चन वैल्यू वेन वी एड टू फिफ्टी प्लस टू सेवेंटी थ्री वी गेट द आंसर एज सेलविन दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सेल्शियस टू कैलविन एंड कैलविन टू सेल्शियस now the next topic which we'll do is evaporation it is the last topic of the chapter which is evaporation now what do you mean by evaporation evaporation is a general term evaporation means the conversion of liquid to gaseous state below boiling point firstly i'll write its definition evaporation it is the process इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन गैशियस स्टेट और इन टू गैशियसटेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट

ओके, okay. सी ये जो फिनोमिनन है ये होता कैसे है सपोज यू टेक अ वेसल एक वेसल में वी फिल वॉटर इन इट एंड कीप इट इन सन लाइट और कीप इट इन आर रूम्स नियर विंडो, तो कुछ टाइम बाद आफ्टर फ्यू आवर्स आफ्टर फ्यू आवर्स वॉट वील ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वॉटर हैज ड्रॉप डाउन जितना इनिशियली आपने वाटर लिया था इट वुड डिक्रीज ये जो इसका अमाउंट है ये कम हो जाएगा लेट सपोज आपने वाटर भरा इस बीकर में हंड्रेड एम एल देन आफ्टर फ्यू आवर्स यू वुड ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ वाटर इज नाउ सेवेंटी और सेवनटी फाइव एम एल वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी एक्सटर्नल सोर्स हमने इसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं की देन वेयर दिस वाटर गो ये वाटर कहाँ जा रहा है इससे पहले हमने पढ़ा बॉयलिंग बॉयलिंग वॉज अ बल्क फिनोमिनन बॉइलिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज बॉइलिंग पॉइंट बट हियर द कन्वर्जन इज अकरिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट सो कन्वर्जन इज कॉल्ड इवेपोरेशन के लिए हम जनरल कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लाइक द क्लोथ्स क्लोथ्स इफ यू पुट एनी वेट क्लोथ you will observe after some time it dries up so where does this water go this water gets evaporated in the surroundings this water is simply evaporated in the surroundings we do not provide any heat to our clothes do you heat your clothes to dry them up no we only keep them in sunlight or in the environment and after few time or few hours it dries up so this water is evaporated in the surroundings so the water in the clothes where does the heat comes from evaporation ke conversion ke heat chahiye we are not providing any heat so this heat the heat energy comes from the surroundings or the sun comes from the immediate environment or immediate surroundings so this is all about evaporation. This was a general introduction for evaporation. Now we have to discuss some factors or some external factors on which the rate of evaporation depends. Now we'll discuss the factors we'll see the factors which affect factors which affect the rate of evaporation. The rate of evaporation, factors affecting one minute. We are studying the factors affecting the rate of evaporation. फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट मतलब उसकी स्पीड को जो अफेक्ट कर रहे तो द फर्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी यू ऑल नो दैट इन रेनी सीजन वट डू यू मीन म ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इज जस्ट द एयर मॉइस्चर और द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट इफ ह्यूमिडिटी का प्रेजेंस कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को हाउ डज ह्यूमिडिटी अफेक्टोरेट से जब हम रेनी सीजन में क्लोथ्स ड्राई अप होने रखते हैं तो वी सी दैट क्लोथ्स को ड्राई होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू समर्स बिकॉज वी नो इन रेनी सीजन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन द ह्यूमिडिटी इज हाई ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट ह्यूमिडिटी इज मॉइस्चर कंटेंट विच इज प्रजेंट इन दॉइस्चर कंटेंट इन एयर Air is a type of gas, air is a mixture of gas. We know that gas molecules are very far away from each other. The space between the gas molecules is occupied by small water molecules in vapor state or gaseous state. And the presence of this vapors or moisture is called humidity. In rainy season, the, this space or the presence of water molecules is already high. एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये ऑलरेडी हाई अमाउंट में होते हैं व्हेन वी ड्राई आर क्लोथ्स क्लोथ्स के ड्राई होने का मेकेनिज्म क्या है जब क्लोथ्स को ड्राई रख रखते हैं हम बाहर सुखाते हैं तो दे रिसीव हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द वाटर वेपर और द वॉटर इन द क्लोथ्स इज इवेपोरेटेड जो हमारे क्लोथ्स का वाटर है वॉटर इन द वेट क्लोथ्स इट गेट्स इवेपोरेटेड इन द सराउंडिंग एयर वॉटर गेट्स इवेपोरेटेड बट इवेपोरेट होकर यह जो वॉटर वेपर्स है कहां जाएंगे एयर मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग है उसके बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे अब वंस दिस वाटर इज़ इवेपोरेटेड ठीक है समझ आ गया इससे कपड़े ड्राई हो जाते हैं पर जब ह्यूमिड मॉनसून में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी बहुत वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो क्या होता है कपड़े ड्राई होने में टाइम लेते हैं इसका मतलब इवेपोरेशन का प्रोसेस ह्यूमिडिटी के कारण स्लो हो जाता है इवेपोरेशन इज स्लो ड्यू टू ह्यूमिडिटी और वी कैन राइट द रेट ऑफ इवेपोरेशन

Is inversely proportional to or 1 upon humidity. Okay? Thank you. Now we'll continue in the next class.